झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 घंटे से ज्यादा समय तक मीडिया और लोगों की पहुंच से दूर रहे। इसके बाद विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं ने सोरेन को लेकर तरह तरह की अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार दोपहर सबके सामने आए। पहले तो उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस बैठक के बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सोरेन बापू वाटिका पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। सोरेन ने गांधी जी की प्रतिमा पर भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सोरेन ने कहा कि वो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। सोरेन ने बताया कि उन्होंने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। मूर्ति पर माला अर्पण कर रहा है। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में जन्मे और हमें मार्गदर्शन दिया, जिनके कदमों पर हम ही नहीं देश दुनिया भी इनके आचार विचार का अनुकरण करती है। हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित है कि महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं और जिस तरीके से आजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प है। वहीं इशारों ही इशारों में उन्होंने विपक्षी दलों की तरफ से फैलाए जाने वाली अफवाह का भी जवाब दिया। सोरेन ने कहा कि वो तो सबके दिल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी का निजी काम भी हो सकता है। सोरेन ने कहा कि वो कहीं भी रहे, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है। आपके दिल में थे, क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कुछ नेता बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं करते। पिछले कुछ घंटों में ही बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर तरह तरह की आशंका जाहिर की थी, लेकिन ये सारी आशंका खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही निर्मूल साबित कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।